हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिव्यांग हेल्प में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली वैकेंसी आ रही है। मैं कंटिन्यूअसली हर दिन एक वैकेंसी को लेकर के सामने आ रहा हूँ और उसको मैं एनालाइज करके आपके सामने ला रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस बात से एक चीज़ तो साबित हो गई है कि ये जो अभी का पीरियड है, ये साल जो है, ये वैकेंसीज का साल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शंस होने हैं, तो जितने भी हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं, वो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि वैकेंसीज अभी बहुत आएगी, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो इस मौके को मत छोड़िए, अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए और जो भी वैकेंसी आती है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी क्षमता के हिसाब से किसी एक को चुनिए और उसी में लगे रहिए, ताकि अगले साल तक आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, जिसका आप सपना लेकर के चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वैकेंसीज छोटी बड़ी आती रहेंगी। मैं आपको हर वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो दिव्यांग भाई बहन नहीं देख पा रहे हैं या जिन तक ये सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है उनको, उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक वैकेंसी आई है ऑफिसर ग्रेड की है और वो वैकेंसी है NIACL की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आइए अब सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और नोटिफिकेशन को एनालाइज करके देखते हैं हमारे दिव्यांग साथियों भाई बहनों के लिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। सो फ्रेंड्स, ये है वो वैकेंसी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है, और रिक्रूटमेंट ऑफ 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। सो फ्रेंड्स, ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए वैकेंसीज है और ये वैकेंसी NIACL है, यानी कि एक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, कंपनी है उसकी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसीज आई है, रिस्क इंजीनियर, इसके लिए टोटल 36 वैकेंसी है और एक हियरिंग इम्पेयर्ड जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए है, एक ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए है और एक मल्टीपल डिसेबिलिटी और आईडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट्स यहाँ पे दी गई है। ये रिस्क इंजीनियर में है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उसमें 96 टोटल है, जिसमें से कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए हर पोस्ट कोटे की एक सीट है, हर कैटेगरी की एक सीट है। फिर लीगल है, अकाउंट्स है, हेल्थ है, आईटी है और जनरलिस्ट है। तो हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं, वो ध्यान देंगे कि जनरलिस्ट जो है, इसमें ज़्यादातर आप लोग सब अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें सिंपली ग्रेजुएशन मांगा गया है। मैंने नोटिफिकेशन को देखा है, आगे हम लोग इसमें नोटिफिकेशन देख भी लेंगे, तो ज़्यादातर ये वाले पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें सिंपली ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेशनैलिटी वगैरह वगैरह ये सब दे रखा है। तो ये नेशनैलिटी तो आप लोगों ने हर बार देखा है कि कौन सी चाहिए होती है, आप भारतीय हैं, आपको अधिकार है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 21 अगस्त लास्ट डेट है, और इन्होंने जो प्रस्तावित डेट वगैरह एग्ज़ाम का वो दे दिया है। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है, यानी कि प्री एग्ज़ाम जो होता है, वो आपका 9th यानी कि 9 सितंबर को अगले महीने में इन्होंने प्रस्तावित दिया है, और फेज़ 2 यानी मेंस जो है वो 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे कैट जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है शॉर्ट फॉर्म, उसका क्या फुल फॉर्म है, अनरिजर्व्ड, HI, हियरिंग इम्पेयर्ड, VI, विजुअली इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द एवर वैकेंसीज आर प्रोविजनल, मे वैरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एट द मटेरियल टाइम। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये वैरी, मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगले साल इलेक्शन है, तो वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं, इस बात के लिए आप
हमेशा दिमाग में बिठा के चलिए, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में क्या है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। सर्विस कंडीशन, देखिए फ्रेंड ये जो है ये एक मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपसे कुछ कंडीशन पे, कुछ बॉन्ड्स पे साइन करवाएंगे, वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स। कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम मे बी रिक्वायर टू कंटिन्यू इन द सेम स्पेशलाइजेशन फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। दे विल हाउएवर कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज पर कंपनी रूल्स। तो मतलब कि इनका कहना है कि अगर आप जर्नलिस्ट के तौर पे जाते हैं तो आपको एक ही जगह पे 5 साल कम से कम रहना होगा, और अगर आप स्पेशलिस्ट के तौर पे जाते हैं तो 10 साल कम से कम आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेशन, जो आपका प्रोबेशन का पीरियड होता है, मतलब कि जो एक अनुबंध वाला पीरियड होता है, वो क्या है, ए कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिसर ग्रेड कैडर ऑन रेगुलर पेस के रोल ऑफ द कंपनी सैलरी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ड्यूटी। प्रोबेशन में एक्सटेंडेड ट्वाइस बाय फर्दर 6 मंथ एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग द 1 ईयर। तो फ्रेंड्स ये सबको पता है प्रोबेशन पीरियड होता है आपका, वो 1 ईयर का होता है। अगर यदि उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको वो बढ़ा भी सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये गारंटी बॉन्ड, ये क्या पे क्या है, बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। तो मतलब कि अगर यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कम से कम आपको 4 साल इस कंपनी को देना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ देयर रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड दे विल बी लेबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ग्रोस सैलरीज पेड टू देम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोबेशन विच कुड बी रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ सर्विसेज एंड ये। तो फ्रेंड अगर यदि आप जो इनका प्रोबेशन जो 4 साल का मिनिमम जो टेन्योर है उसको पूरा करने से पहले अगर आप निकलते हैं तो आपको इनके जो 1 साल के जो इनको इन्होंने आपको पे किया है वो आपको लौटाने पड़ेंगे। कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी एबल टू पे ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग इंटायर सर्विस इन द कंपनी इन एडिशन टू अमाउंट 25,000 रुपये इनिशियल बॉन्ड नॉन लाइफ बॉन्ड। तो ये मतलब अगर प्रोबेशन पीरियड में आप छोड़ते हैं तो आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी कि क्या क्या चाहिए। स्पेशलिस्ट कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलो। द क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए फ्रेंड, रिस्क इंजीनियर जो है उनको उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60%। तो यानी कि अगर यदि आप इंजीनियर हैं तो आप रिस्क इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि जनरल है तो 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और PWD है तो 55%, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो BE BTEC यानी इंजीनियरिंग होना चाहिए 60%, और नहीं तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, विथ मिनिमम 60%, 60% जनरल के लिए, 55% PWD के लिए, टुगेदर विथ डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये डिप्लोमा भी मांग रहे हैं साथ में। उसके बाद लीगल ऑफिसर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, ठीक है, अकाउंट्स चार्टेड अकाउंट ICAI और एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। हेल्थ के लिए MBBS यानी डॉक्टर, और IT स्पेशलिस्ट के लिए BE BTEC MTEC IT कंप्यूटर डिसिप्लिन और MCA विथ मिनिमम 60% और 55%, ठीक है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जनरलिस्ट है उसके लिए क्या है,
ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 55% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, तो आप जनरलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन्होंने पहले ही जो है ना आपकी पे स्केल को इन्होंने मेंशन कर दिया। देखिए ये है पे, आपको कितना पे होगा, ठीक है। देखिए बेसिक पे है 50,925 रुपीज़, और आपको मैक्सिमम जो मिलेगा कम से कम जो अप्रोक्सीमेट अनुमानित 80,000 रुपये पर मंथ। समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 80,000 पर मंथ अगर आपको मिलेगा। उसके अलावा भी अदर बेनिफिट्स है, जैसे कि मेडिकल ग्रेचुइटी, LTA, फिर मेडिकल, फिर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल, तो ये सारा कुछ अलग से मिलेगा प्लस 80,000। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन टफ है, तो आपको तैयारी भी टफ ही करनी पड़ेगी। उसके बाद और क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं एज, एज क्राइटेरिया क्या है। अगेन जो हमारे दिव्यांग साथी जो हैं उनको 10 ईयर्स की छूट है अगर वो जनरल से हैं, और अगर यदि वो OBC हैं तो 13 साल, और अगर वो ST SC हैं तो 15 साल, यानी कि 1 अगस्त तक उनकी जो उम्र है वो ये जो एज क्राइटेरिया है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर में उनका हो रहा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 34, आप सभी को मैंने बताया ब्लाइंडनेस, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ऑटिज्म मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारे के सारे जो हैं एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर देखिए जैसे कि ब्लाइंड हैं तो, और लो विजन, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं VI में एंड विजुअली इम्पेयर्ड में। डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग ये अप्लाई कर सकते हैं उसमें। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या क्या, 1 आर्म यानी जिनके एक हाथ में प्रॉब्लम है वो, 1 लेग जिनके एक हाथ में लेग में प्रॉब्लम है वो, OAL यानी कि एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है वो, या फिर दोनों जिनके पाँव में प्रॉब्लम है वो। इसके अलावा जैसे बोथ जिनके दोनों हाथ नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर लिप्रोसी, CP, डॉफिज्म, AC डेटाक्ट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल इलनेस, और ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद और क्या है, गाइडेंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यूजिंग अ स्क्राइब, स्क्राइब यूज करने के लिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कंडीशन दिया है वो देख लीजिए। द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज और हर ऑन कॉस्ट स्क्राइब, तो मतलब आपको स्क्राइब खुद से देना होगा, आपका स्क्राइब खुद होना चाहिए। द स्क्राइब मे बी फ्रॉम एनी एकेडमिक स्ट्रीम फॉर जनरलिस्ट डिसिप्लिन, फॉर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन द स्क्राइब शुड बी फ्रॉम एन एकेडमिक स्ट्रीम डिफरेंट टू रिस्पेक्टिव, मतलब अगर जनरलिस्ट में आप अप्लाई करते हैं और आपको स्क्राइब चाहिए तो आपका स्क्राइब किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट में आपका, जैसे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपका जो कैंडिडेट है आपका जो स्क्राइब है वो आपको सेम स्ट्रीम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है, द स्क्राइब शुड नॉट बी ए कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसेस। तो अगेन यहाँ पे फिर से बोला गया है कि जो स्क्राइब होंगे वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे, इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगेंस्ट फ्रेंड, ये सारा का सारा जो है मिलता जुलता आपको मिलेगा IBPS PO और IBPS क्लर्क और IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जैसा ही है, ठीक है। ये सारा कुछ जो अपेंडिक्स वगैरह है, Appendix 1 जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कंपनसेटरी टाइम और स्क्राइब यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, प्री एग्ज़ाम, देखिए प्री एग्ज़ाम में अगेन इन्होंने भी उसी तरीके से लेना है, 30, 35, 35, 30 इंग्लिश, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग, और सेपरेट टाइमिंग रहेगी, और हर एक सेक्शन में आपको पास होना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पास मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है।
उसके बाद फिर देखिए मेंस, यानी कि ये आपको हर सेक्शन सेक्शनल कट ऑफ अलग से पास होना होगा, ओवरऑल कट ऑफ अलग से पास होना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये मेंस का एग्जामिनेशन है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में देखिए क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये चार सेक्शन, जनरल अवेयरनेस जुड़ गया और टोटल 200 का है। और हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइमिंग है, और हर एक सेक्शन में यहाँ पे भी आपको अलग से पास होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए क्या है, तो जो चार सेक्शन जनरलिस्ट के लिए वो है, और फिर स्पेशल जो एग्जामिनेशन है, स्पेशल स्ट्रीम जो है उसमें आपको 40 मार्क्स अलग जुड़ जाएंगे, यानी टोटल 5 सेक्शन के आपके मेंस में होने हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में फ्रेंड ये जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट दोनों को देना है, और टाइपिंग टेस्ट ही होगी, जिसमें कि आपको ये एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 30 मिनट्स में आपको राइटिंग लिखना है, एसे और लेटर दोनों, तो वो डिस्क्रिप्टिव में चला जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है हर एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे पेनल्टी दे रखा है, तो जैसा आपको IBPS में पेनल्टी लगता है वही पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरव्यू, कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज टू विल बी सब्सिक्वेंटली विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये इंटरव्यू जब आप डिस्क्रिप्टिव क्लियर कर लेंगे मेंस का और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, तो ही उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, ये इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया। और क्या इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसमें जो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे डालेंगे वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ पूरे प्रोसेस के लिए हो जाएगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ वो डालिएगा जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही सही 10th के सर्टिफिकेट से मैच करता हो, ठीक है। उसके बाद और इसमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक्स अगेन जैसा कि IBPS में होता है, IBPS ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, तो सारा कुछ IBPS का रूल जो है वो फॉलो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो IBPS में फ़ी जो देना पड़ता था IBPS PO क्लर्क और बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 175, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 100 रुपये, 21 अगस्त लास्ट डेट है। हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनके लिए सिर्फ 100 रुपये ही लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड जो है फेज 1 के लिए एग्जामिनेशन सेंटर अपने स्टेट के हिसाब से आप चुनिएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फेज 2 में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो घट जाएगा, हर स्टेट के लगभग लगभग एक एक ही सेंटर, मतलब कि एक स्टेट में जो सेंटर है वो एक हो जाएगा, ठीक है। फिर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन जो है वो आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप जो PWD ST SC और OBC कैंडिडेट हैं उनको, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैंड रिटन IBPS में हमेशा मैं बताता हूँ, हैंड रिटन और लेफ्ट हैंड का, वो फाइनल फॉर्म सबमिशन से पहले आपको ये वाला अप्लाई अपलोड करना होगा, तभी जा करके आपका फॉर्म कंप्लीटेड हो पाएगा, ओके। उसके बाद और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, पेमेंट आपको कर देना है, 100 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट नहीं है, थंब इम्प्रेशन वगैरह लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम ही सेम है फ्रेंड, जैसा आपको IBPS PO वगैरह में दिखने को मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में, ये देखिए ये जो यहाँ पे दे रखा, विदाउट दिस ये वाला सेक्शन, अगर कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज OBC आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हिज OBC नॉन लेयर कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट नॉन, ये वाला जो है 31/3/2000 से पहले शुड हैव बिन इशूड आफ्टर 31/3/2023 से पहले का जो सर्टिफिकेट है OBC का वो नहीं चलेगा, उसके बाद का चलेगा, ठीक है। और नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि जब होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट आप उस टाइम पे सेम देंगे, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बाकी सारा का सारा जो है फ्रेंड वो आपको एज इट इज़ मिलेगा IBPS की तरह। ये देखिए फ्रेंड, सर्टिफिकेट फॉर्मेट, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC, ST SC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट इनका ये रहा। इसके बाद फिर फ्रेंड, उसके बाद ये OBC का सर्टिफिकेट है फ्रेंड, ये इस फॉर्मेट में इनको सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी फॉर्म 5 ये सर्टिफिकेट चाहिए। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट 6 ये आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है। और उसके बाद एक फॉर्मेट और होगा, फॉर्मेट 7, अगर फॉर्मेट
फाइव और सिक्स में आपका आपकी डिसेबिलिटी का जो है डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मेट आपको लगेगा। और इसके अलावा अपेंडिक्स जो है, वो अपेंडिक्स जो वन है वो आपको लगेगा वैसे दिव्यांग साथियों के लिए जो 40% डिसेबल्ड नहीं है, मतलब 40% से कम है, लेकिन उनकी जो डिसेबिलिटी वो ऐसी है कि उनको मतलब कि लिखने में प्रॉब्लम है, वो उनको चाहिए होगा। ये स्क्राइब का डिक्लेरेशन वाला फॉर्म ये रहा फ्रेंड, 40% और मोर जिनका है उनको इस सर्टिफिकेट फॉर्मेट में दो, एक स्क्राइब और एक कैंडिडेट दोनों का फोटो लगा करके देना होगा। और ये है अपेंडिक्स वन वैसे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है और वो स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो था इसमें मैंने कवर अप कर दिया। और ये जो है, ये 40% से लेस वाले जो कैंडिडेट हैं उनको वो फॉर्मेट अपेंडिक्स वन और उसके साथ में अपेंडिक्स टू ये भी जमा करना होगा, फोटो और सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करके। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ इसमें लिखा है वो सारा कुछ मैंने कवर अप कर दिया और क्लियर कर दिया है। और अगर यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और फ्रेंड्स, जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक्स है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है या फिर कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है वो, या फिर नोटिफिकेशन, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस नोटिफिकेशन को आपको क्लियरली बता दिया है कहाँ कहाँ पे क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए, क्योंकि ये साल जो है जॉब का साल रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हर स्टेट में वैकेंसीज आती ही रहती है, और अभी वैकेंसीज आ रही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से पार्ट को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है या फिर कौन से पार्ट में सुधार करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।